हेलो एवरीवन, अगर आप एसएससी, बैंक या रेलवे या किसी अन्य वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है अर्थमैटिक सेक्शन। ये ज़रूर से ज़रूर आता है। अर्थमैटिक सेक्शन के साथ साथ इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, किसी एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं भी आती है, कुछ और आता है, बट एक चीज़ कॉमन है, वो है अर्थमैटिक सेक्शन। मैथ्स के दो पार्ट, एक अर्थमैटिक और एक एडवांस, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा और मेंसुरेशन ये सब होता है, ज्योमेट्री होती है। वो किसी एग्ज़ाम में होती है, किसी में नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, एसएससी में होती है बट बैंक में नहीं होती, बट अर्थमैटिक सारे एग्जाम्स में होती है, चाहे वो कोई भी हो। अर्थमैटिक का ही एक टॉपिक है जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे उसे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज लोगों को समझ में आ जाता है, पर चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो इसको हम आज समझने की कोशिश करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। आज भी आज जो ये लेक्चर है, ये जीरो लेक्चर आप कह सकते हो। हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से कुछ क्वेश्चंस करना चालू करेंगे अलग अलग टाइप के। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज आपको परसेंटेज और रेशियो की होनी चाहिए, ठीक। अगर आप इसके स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको लेक्चर समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको, मान लीजिए आप स्टूडेंट नहीं है और आपको बेसिक नॉलेज है परसेंटेज की या बेसिक मैथ्स आती है, तो भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आ जाएगा। तो ठीक है, इसके लिए आपको दो चीजें रिक्वायर्ड होगी, एक बेसिक नॉलेज ऑफ परसेंटेज और रेशियो की छोटी सी नॉलेज होना, बहुत ज्यादा नहीं, बस बेसिक नॉलेज होना परसेंटेज और रेशियो की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक चीज आना चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, यह आपको आना चाहिए। अगर ये आता है तो आपके लिए अर्थमैटिक तो पूरी तरह से आसान हो जाएगी, और रेशियो को परसेंटेज। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, एक तरह का रेशियो ही तो है। मैं 5/6 लिखता हूं तो 5:6 ही तो है, तो रेशियो और फ्रैक्शन को मैं एक ही चीज कह सकता हूं। तो रेशियो या फ्रैक्शन को परसेंटेज और परसेंटेज को फ्रैक्शन चेंज करना ही पूरी अर्थमेटिक का खेल है। तो अगर मैं कहता हूं कि 1/2 लिखा है, अब ये परसेंटेज में कितना है, परसेंटेज में है ये 50%। मैंने क्या किया, मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज आ गया। फ्रैक्शन और परसेंटेज में अंतर बस इतना है, फ्रैक्शन 1 का स्केल है, फ्रैक्शन बताता है 1 में कितना, और परसेंटेज बताता है 100 में कितना। तो ये बता रहा है 1 में कितना, 1 में 1/2 लिखा, कितना 0.5, तो 1 में 0.5, तो 100 में 50। तो फ्रैक्शन 1 की स्केल है, परसेंटेज 100 की स्केल है। अगर मैं कहता हूं 1/3, तो इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 33 होल 1/3%, ठीक। अगर मैं कहता हूं 1/4, कितना आएगा, 25%, ये तो आसान था। अगर मैं कहता हूं 1/5, कितना आएगा, 20%। अगर मैं कहता हूं 1/6, तो कितना आएगा, 16 होल 2/3%। अगर मैं कहता हूं 1/7, तो आएगा 14 होल 2/7%, ठीक। अगर मैं कहता हूं 1/8, तो ये है 12 होल 1/2%। 1/9, ये है 11 होल 1/9%। और कहता हूं 1/10, तो ये आपको पता है, ये है 10%। इतना एटलीस्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई 1/10 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 ही तो आएगा, 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12.5 आएगा, ये 12.5 ही तो लिखा है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे नहीं याद है कि 12.5% क्वेश्चन में दिया है, अब 12.5% क्या है, 1/8 मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधे 25/2 लिखा, अब 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 1 और ये 4, मतलब 1/8 आ गया। तो अगर मान लीजिए आपको नहीं भी याद है तो भी आप वहां पे कर सकते हैं, 11 9 99 और 100/9, 100/9 को 1/100 करेंगे तो 100 100 कट जाएगा, 1/9 आपका आ जाएगा। तो अगर आपको रटा हुआ है तो भी अच्छा है, अगर नहीं रटा है तो भी आप तुरंत वहां पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमने बेसिक परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज समझने की कोशिश किया। अब मैं आपसे एक बेसिक चीज कहता हूं, आपके पास 36 रुपए है और मैं कहूं 16 होल 2/3% बढ़ा दिया गया,
36 रुपीज़ थे और 16 होल 2/3% बढ़ गया इसमें, तो अब आपके पास कितना रुपए हो गया। तो अगर आपके पास फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना आता है तो 16 होल 2/3 हम लोग ने देखा था कितना था, 1/6, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा तो कर सकते हैं 16 × 48 मतलब 50/3 लिखा है, 50/3 × 1/100 51 × 52 × 1/6, तो मेरे पास 1/6 आ गया। अब कह रहा है कि 16 होल 2/3% बढ़ गया है, तो जो मेरा 1/6 है ये क्या बताता है कि ये मेरा ओरिजिनल नंबर था 6 में 1 1/6% 16 होल 2/3% के बराबर, मतलब 16.66 लिखा है, तो 6 में 1 16.66 के बराबर है। तो अगर मैं कहूं इतना परसेंट बढ़ गया है, इसका मतलब 6 में कितना बढ़ गया है, 1 बढ़ गया है। तो पहले मेरा नंबर 6 था, 6 में 1 बढ़ गया, तो अब मेरा नंबर कितना हो गया है, 7/6। मैं कह सकता हूं भाई 6 मेरा ये ओरिजिनल नंबर था और ये कितना है, ये इंक्रीज्ड है, तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर और ये मेरा न्यू नंबर, 6 में 1 बढ़ गया तो नंबर कितना हो गया, 7। ये मेरे को परसेंटेज, ये बेसिक जो परसेंटेज है ये इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब कह रहा है आपके पास 36 रुपए था, तो कह रहा है 6 की वैल्यू कितनी दी है, 36 दी है, मतलब ये ओरिजिनल नंबर था, आपने कहा 6 से 7 हो गया, तो एक्चुअल 6 नहीं था, एक्चुअल कितना था, 36 था, मतलब 6 गुना था, तो जो ये नंबर है ये भी कितना होगा, 6 गुना, तो आपके पास कितना आ गया, 42। मतलब 36 रुपए में अगर 16 होल 2/3% बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है, 42। तो हमेशा जब भी हम लोग पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में अर्थमेटिक में बात करेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो मैं अगर कहूंगा 20% बढ़ गया, 20% मतलब कितना होता है, 1/5, 20% बढ़ा मतलब 5 में 1 बढ़ा, कितना हो गया, 6/5। ठीक, मैं कहता हूं 80% था, 80% मतलब 4/5, 80% बढ़ गया मतलब 5 में 4 बढ़ गया, कितना हो गया, 9/5। इस बेसिक चीज को याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी होगी हमें आगे हर टॉपिक को समझने में। तो आइए हम कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक को एक्चुअली स्टार्ट करते हैं और इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो इस चैप्टर को हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बचपन में, स्कूल में, 10th क्लास में आपने देखा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था वो लिखा था अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+R/100 की पावर t। अब कभी समझ में आता है किसी बच्चों को, कभी किसी बच्चों को ये समझ में आया ही नहीं आज तक, बस वो रट्टा मार लिए कि हाँ ये होता है फॉर्मूला। लेकिन हम लोग कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करने वाले, अगर आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो आप डेफिनेटली नहीं निकाल पाओगे इतनी फास्ट, क्योंकि आपको कोई भी वन डे एग्जाम होता है आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना समय मिलता है, मैक्सिमम 1 मिनट, एवरेज कितना मिलता है, 40 सेकंड। 40 सेकंड में किसी फॉर्मूले से काम नहीं बनेगा। हाँ, आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो आप वहां पे लगा लेते होगे फॉर्मूले से, बट फास्ट कैलकुलेशन में फॉर्मूला भी यहाँ पे काम नहीं आएगा। तो हम लोग बिना फॉर्मूले के पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम बेसिक से। अगर किसी को नहीं पता है वो भी देख सकता है, समझ सकता है आराम से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो मान लेते हैं आपके पास 1,000 रुपए थे, आपने इससे किसी बैंक में डाल दिया। अगर साधारण ब्याज से डालते, साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल आपको उस पर जो भी मान लेते हैं 10% का इंटरेस्ट है, तो पहले साल 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से 1,000 का 10 कितना होता है, मतलब 1/10, तो 100 रुपए, आपको 100 रुपए मिला। दूसरे साल फिर आपको 100 रुपए मिला, किस पे, इस पे, आपके मूलधन पे, आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे, प्रिंसिपल मनी जो मूलधन था उस पे आपको 100 रुपए मिला ब्याज। तीसरे साल भी आपको आपके मूलधन पे 100 रुपए मिल गया, 10%, ये भी 10% और ये भी 10%, 10-10% तीनों साल आपको मिला और आपके पास कितना आ गया, SI, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कहूं तो 300 रुपए आपको मिल गए। ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। बट बैंक ना सिंपल इंटरेस्ट में काम नहीं करता, बैंक, सारे बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट में काम करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका पैसा बढ़ता भी है और अगर आप लोन लेते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ही चुकाना पड़ता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा क्या, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज में भी ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब सिंपल इंटरेस्ट यहां तक तो ठीक था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, पहले साल तो आपको 100 रुपए मिला, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट भी सेम था, कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम था, लेकिन जैसे आप सेकेंड ईयर में आए, अब सेकेंड ईयर में आपके पास सिर्फ 1,000 रुपए नहीं बचा है, आपके पास 1,000 भी है और 100 रुपए भी है। जो पहले साल के अंत तक 100 रुपए आपको मिला है वो पहले साल के अंत से निकल के दूसरे साल के स्टार्टिंग में आया,
तो अभी इस पे तो आपको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ इस 100 रुपये पे भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि 100 रुपये भी तो 1 साल के लिए पड़ा रहेगा सेकेंड ईयर में, तो इस 100 रुपये पे भी 10% का ब्याज मिलेगा, जो कि ये क्या हो जाएगा 10 रुपये। अब ये वाला ब्याज 100 रुपये पे मिला, मतलब ब्याज पे भी ब्याज मिला, ठीक। अब यहां तक कहानी सही। अब तीसरे साल की बात की जाए तो 1,000 रुपये तो फिर आपको मिल जाएगा 100 रुपये। अब तीसरे साल में ये 100 रुपये भी पड़ा है, ये 100 रुपये पड़ा है, और ये 10 रुपये भी आ गया है, तो अब क्या होगा, इस 100 रुपये पे आपको 10 रुपये मिलेगा 10% के हिसाब से, इस 100 रुपये भी आपको क्या मिलेगा 10%, 10% के हिसाब से 10 रुपये मिलेगा, और यहां पे जो 10 रुपये था इस पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा 10% का, तो 10 का 10% कितना होगा 1 रुपये। तो तीसरे साल आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर अब आप देखो तो 300 तो मिल ही रहा था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 10 10 10 तीन बार 10 और एक बार 31, 31 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपको 331 रुपये मिल रहे होते हैं, समझ में आए। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज मिल रहा है। ये जो फ्लो चार्ट है आप कह सकते हो, इसको आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में सॉल्व इसी तरीके से करना है। एग्जाम में मैक्सिमम 3 साल का ही पूछता है, कुछ में 2 साल का पूछ लेता है, 2 साल का पूछेगा तो आप यहां तक बनाएंगे, 3 साल का पूछेगा तो आप इसको ऐसे बना लेंगे। तो इस चीज को अगर मैं और अच्छे फॉर्म में लिखूं या रटने के लिए कहूं, तो आप इसको ऐसे रट सकते हो, 3 बार आपको ए लिखना है, ये क्या है, ये जो इस पे 100 100 लिखा है, बी 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 ये भी 3 बार है, मैं इसको बी लिख देता हूं, और इसको मैं सी लिख देता हूं। आपको ये चीज दिमाग में बैठा लेना है कि अगर 3 साल के लिए है तो 3 बार मिलेगा ए, फिर 3 बार इस तरह आएगा बी, और लास्ट में एक आएगा सी। 2 साल का है तो आप इसी पे छोड़ दीजिए, 3 साल से ऊपर वो नहीं पूछता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक और चीज, ये रहा मेरा फ्लो चार्ट का मेथड। ये फ्लो चार्ट का मेथड आपको तब यूज करना पड़ेगा जब आपसे कहेगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना अंतर है, सेकेंड ईयर के सिंपल इंटरेस्ट और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना अंतर है, तब आपको ये फ्लो चार्ट से काम करना पड़ेगा। और दूसरा मेथड है हमारा रेशियो मेथड, रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड क्या है, जरा से इसको हम लोग अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये 1,000 रुपए है, अगर मैं देखू फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल और अमाउंट, ये है फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपने जमा कितना किया था 1,000 रुपए, और आपको मिला कितना 100 रुपए मिल गया, तो आपका अमाउंट कितना हो गया 1,100 रुपए। फर्स्ट ईयर में जमा 1,000 किया, मिला कितना 1,100 रुपए। अब सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं, इसको मिटा देता हूं यहां पे, सेकेंड ईयर की बात करता हूं, सेकेंड ईयर में आपके पास अब प्रिंसिपल, आपका मूलधन अभी 1,100 हो गया है, तो आपके पास था 1,100, अब हो कितना गया है प्रिंसिपल अमाउंट, या अमाउंट कहो इसको, 1,000 ये, 100 ये, 100 ये और 10 ये, मतलब 210 रुपए इसमें और ऐड हो गए, तो अब कितना हो गया 1,210 रुपए, ठीक। अब अगर मैं तीसरे साल की बात करूं, तो अब ये 1,210 रुपए तीसरे साल के प्रिंसिपल बन गया, अब ये हो गया 1,210 इसका प्रिंसिपल। अब तीसरे साल अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, ये 331 है, 331 को मैं ऐड करूं 1,000 में, तो कितना आएगा 1,331, 1,331 रुपए मिला आपको तीसरे साल में। अगर एक कॉमन चीज देखूं मैं, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, अगर मैं एक कॉमन चीज देखूं, मैं इन सबका अगर रेशियो देखूं, तो रेशियो क्या आ रहा है आप देख सकते हैं, मैं यहां से 2 0 से 2 0 काट देता हूं, तो कितना बच गया 10:11। अगर मैं यहां से 1 0 काटू, 1 0 यहां काटू, कि क्या 11 से कट सकता है, बिल्कुल, तो 11 10 110 और 11 11 121, ये भी 10:11 आया, ये भी 10:11 आया। अगर मैं इसको काटने की देखू 12 10 और ये, तो ये कितना है, ये मेरा 11 से कट सकता है, तो कितना आएगा, ये भी आएगा 10:11। ओके, तो आपने देखा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हर जगह 10:11 10:11 10:11 है। तो एक चीज कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमें और समझनी है कि अगर ईयर का गैप सेम है, मतलब मैंने 1 साल का डिफरेंस यहां भी लिया, यहां भी 1 साल का डिफरेंस था और यहां भी 1 साल का डिफरेंस था, तो जो रेशियो होगा वो भी सेम होगा, मतलब फर्स्ट ईयर से मैंने सेकेंड ईयर गया, सेकेंड ईयर से मैं थर्ड ईयर गया,
तो जो भी रेशियो होगा वो सेम होगा। अगर मैं ऐसा करता फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर जाता, फिर थर्ड ईयर से फिफ्थ ईयर जाता, मतलब दो दो साल का गैप रखता, तो भी रेशियो मेरा सेम आता। तो ईयर का गैप अगर सेम है तो आपका रेशियो भी सेम आएगा प्रिंसिपल और अमाउंट का। ये बड़ा काम का चीज है। कैसे देखते हैं, तो अगर मैंने माना पहले साल 10 था पैसा, 10 रुपए था, कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया 11, दूसरे साल भी 10 से 11, तीसरे साल भी 10 से 11। अब आपको पता है कि कंपाउंड हो रहा है, मतलब कि जो 10 से 11 हुआ ये 11 रुपए यहां पर डिनोट कर रहा है। अब 11 वाला बढ़ के 10, 10:11 हो जाएगा यहां पर, फिर ये बढ़ के 10:11 हो जाएगा। मतलब लाइन से जब बढ़ रहा होता है तो हम इसको एक साथ लिख के तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब 10 × 10 × 10, तो यहां पर कितना आया 1000, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331। अगेन हम उसी चीज पे आके जो हमने यहां पर निकाला था, टोटल ओवरऑल सबको जोड़ के कितना आ रहा था 1331, इधर भी आ रहा था, इधर भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। मतलब आपको ये चीज बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि रेशियो से भी निकाल सकते हैं हम इसको, और हम फ्लो चार्ट से भी निकाल सकते हैं। फ्लो चार्ट से कब निकालेंगे, जब हमसे सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस पूछ लेगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी डाल दिया और कंपाउंड इंटरेस्ट भी डाल दिया। अगर ये सिर्फ पूछ लिया कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर का कितना था, तो भी फिर हमको ये लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल बात की जाएगी तो हम रेशियो से भी उसको निकाल सकते हैं। आगे आगे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप इसमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे लोगों को बताइए कि ये लेक्चर है, शेयर कीजिए लोगों के साथ। थैंक यू।